टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल से पहले बीसीसीआई ने भारतीय टीम का कप्तान बदल दिया है। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर विराट कोहली को फिर से कप्तान बना दिया है। दोस्तों, अगर आप भी इस खबर को पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूल। टी20 विश्व कप 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली नंबर वन पे हैं। विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 246 रन बनाए हैं, जिसके साथ ही वे टॉप पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली अपनी पुरानी फॉर्म में पूरी तरह से वापिस आ चुके हैं, और अब फैंस का मानना है कि एक बार फिर से विराट कोहली को भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए। भारतीय टीम का अगला मुकाबला 10 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में खेला जाएगा, जो कि वर्ल्ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल होगा। पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को सिडनी में खेला जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होगा। दोस्तों, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि सेमीफाइनल से जीतकर कौन सी दो टीमें होंगी जो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। फाइनल 13 नवंबर को MCG में खेला जाएगा।